हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडला क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 9 दिसंबर 2022। नाउ फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट द न्यूज़पेपर, जस्ट जनरल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर से आपको वो समझ में आएगा। समटाइम्स इन न्यूज़पेपर पॉलिटिकल न्यूज आर डिस्कस्ड, लाइक इन टुडेज न्यूज़पेपर इफ यू विल जस्ट सी। सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी द न्यूज़, तो जैसे कि आज का जो पूरा न्यूज़पेपर है उसमें बल्क में जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस है। उनका एक एनालिसिस है कि भाई कोई पार्टी क्यों जीती, यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस क्यों आई और गुजरात में बीजेपी क्यों आई, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ आम आदमी पार्टी। बट ऐसे न्यूज़ में भी हमें सिर्फ वही इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी होती है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसे जो न्यूज़ होती हैं ठीक है उसमें हमें स्टिक करना होता है सिलेबस को। सो इफ यू विल लुक एट क्लैट एंड एलेक्ट सिलेबस, वो एक बहुत बड़ा पॉइंटर होता है कि जिसके बेसिस पे आप अपना करंट अफेयर्स करते हो। लाइक एवरीथिंग कमिंग इन द न्यूज़ पेपर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग जो DNA मेरा देख रहे होंगे कि दैट मोस्ट ऑफ द न्यूज़ विच आई एम कवरिंग इज रेलिवेंट फॉर द एग्जाम, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग इट इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। आई विल जस्ट शो यू बाय एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल जस्ट सी दिस न्यूज़, सो देर वॉज जनरल असेंबली इलेक्शन फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब कौन सी पार्टी कहाँ पे आई ठीक वो ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि अब नया नया इलेक्शन हुआ है तो अब जो चीफ मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होंगे वो हमारे लिए बस इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा देखोगे तो इसमें ये सब जो न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है। ठीक है, कि किसको कितना सीट मिल रहा है, किसने मेजॉरिटी बनाया है, एवरीथिंग ओके। यू जस्ट नीड टू नो दैट ओके देर वॉज स्टेट जनरल इलेक्शन इन गुजरात एंड देन इन हिमाचल प्रदेश, हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, हमारे क्लैट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो वी विल बाईपास द फ्रंट पेज टूडे एंड एडिटोरियल ऑल्सो। ओके, एंड देन वी विल डायरेक्टली कम टू द एक्सप्लेनर सीरीज, क्योंकि आज का जो न्यूज़ है वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो हम सीधा एक्सप्लेनर सीरीज पर जाएंगे। हम सब इसको वी विल जस्ट बी जो ये पूरा डिस्कस हुआ है इलेक्शन न्यूज़, हम इसको पूरा अभी के लिए रहने देते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट आई एम नाउ कमिंग टू एडिटोरियल ऑल्सो। सो इन एडिटोरियल ऑल्सो यू विल सी द बिग विन इन गुजरात इज मोदीज एंड द बीजेपी इज बिगेस्ट। तो अगेन यहाँ पे एक पूरा एनालिसिस दिया होगा। तो ऐसे टाइप के जो न्यूज़ होते हैं वो हमारे क्लैट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो अगेन आई विल जस्ट पास दिस न्यूज़। ओके, देन अगेन अ नॉट टू हिमाचलियत अ स्टेबल बाई पार्टी सिस्टम, अगेन फाइन वी विल जस्ट गो ओवर दिस। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पॉलिटिकल पार्टी, एक होता है गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट की न्यूज़ पे फोकस करना है, पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज़ पे हमें फोकस नहीं करना है। ये आप पूरे अपने स्ट्रेटेजी में इसको इंकल्केट करेंगे जब भी आप कवर करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी हो पर वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ हमें देखनी है, हमें पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड न्यूज़ को अवॉइड करना है। सो अगेन आई विल बी पासिंग दिस, अगेन आई विल बी पासिंग दिस द बीजेपी ब्रेक्स रिकॉर्ड इन गुजरात। ठीक, अब हम आते हैं एक्सप्लेनर सीरीज पे। सो अब हम एक्सप्लेनर सीरीज पे आ गए। तो अब नाउ सी वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इस रिपोर्ट का टाइटल है रेमिटेंसेस ब्रीफ ग्लोबल हेडविंड्स। यहाँ पे 2022 में इंडिया पहली बार जो रेमिटेंसेस है उसको टच करने वाला है, दैट इज $100 बिलियन मार्क। वर्ल्ड में इंडिया इज गोइंग इज द टॉप इन रिसीविंग द रेमिटेंसेज। अब ये रेमिटेंसेज क्या होता है फ्रेंड, रेमिटेंसेज का मतलब कि एनी वन हु इज़ अर्निंग मनी आउटसाइड इंडिया एंड सेंडिंग बैक टू देयर फैमिली बैक होम, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेज। ओके, तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज गोइंग टू रीच दिस $1 बिलियन मार्क इन रेमिटेंसेज इन 2022। 2021 में जो रेमिटेंसेज थे वो $89.4 बिलियन था। ठीक है, अब अगर हम अपना रेमिटेंसेस के सोर्सेज देखेंगे तो वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज़ हैं, लाइक UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, अमन, कतार, कुवैत एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। नाउ
आई विल बी डिस्कसिंग दिस न्यूज इन पॉइंट बाई पॉइंट मैनर, कि ताकि अगर आपको नोट्स भी बनाना है तो वो आपके काम के लिए हो, ठीक है, रेमिटेंसेस से रिलेटेड। सो नाउ सी, पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होगा, दैट इज वर्ल्ड रेमिटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू टच $794 बिलियन इन 2022। तो 2022 में जो वर््ल्ड रेमिटेंसेस होगा वो $794 बिलियन होगा। 2021 में कितना था? $781 बिलियन। उसके बाद अगर हम देखेंगे द टॉप फाइव, सेकेंड पॉइंट, द टॉप फाइव रेसिपियंट कंट्रीज दिस ईयर, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इंडिया $100 बिलियन, फॉलोड बाई मैक्सिको $60 बिलियन, चाइना $50 बिलियन, फिलीपींस $38 बिलियन, इजिप्ट $32 बिलियन। इसमें आपको ये नंबर याद नहीं रखना है, नंबर खाली इंडिया का याद रखना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आप टॉप फाइव कंट्रीज जो है, दैट इज IMCPE, ठीक है ना, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, ऐसे याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने रीजंस बताए हैं कि वाई देयर इज सस्टेन ग्रोथ इन इकोनॉमी। सो दिस इज बिकॉज नाउ वी आर पोस्ट COVID-19, अब COVID-19 बीत चुका है, सो देयर इज ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स इन द होस्ट कंट्री। ओके, सो दिस हैज इम्प्रूव्ड द रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड, सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया में रेमिटेंसेस बढ़ने का रीजन क्या है, तो द मेजर रीजन विच इज सीन इन इंक्रीजिंग द रेमिटेंसेस, दैट इज स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज रेमिटेंस इकोनॉमी। तो जैसे कि अब स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या है, तो दैट इज अ शिफ्ट फ्रॉम लार्जली लो स्किल्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज टू डोमिनेंट शेयर ऑफ हाईली स्किल्ड जॉब्स इन हाई इनकम कंट्रीज सच एज US, UK एंड ईस्ट एशिया। इसका मतलब कि पहले जो रेमिटेंसेस आते थे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आते थे, जहाँ पे लो स्किल्ड वर्कर्स इंप्लॉयड होते थे। अब जो रेमिटेंसेस जो बढ़ रहे हैं, ओके, तो एक शिफ्ट देखा है इंडिया ने कि अब जो हाई स्किल्ड जॉब्स होते हैं, ठीक है, जो इंडियंस बाहर जाते हैं, US, UK, ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे वो हाई स्किल जॉब करते हैं, ज़्यादा इनकम कमाते हैं, और फिर वो ज़्यादा इनकम इंडिया को भेजते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2016-17 और 2020-21 में रेमिटेंसेस फ्रॉम US, UK एंड सिंगापुर, दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 26% टू 36%, 10% का इंक्रीज देखा है। उसके बाद जो फाइव गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स है, यहाँ पे द रेमिटेंसेस हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 54% टू 28%। फिर एक पर्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करें, दैट इन 2020-21 US विद अ शेयर ऑफ 23% सरपास सऊदी अरेबिया एज इंडियाज टॉप सोर्स कंट्री फॉर रेमिटेंसेस। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो 20% ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो US और UK में रहते हैं, ओके, विच शोज द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द रेमिटेंस इकोनॉमी। द सेकेंड इज बिकॉज ऑफ ये हाई स्किल जॉब्स में थे, तो देखिए क्या हुआ कि COVID-19 के टाइम वर्क फ्रॉम होम हो ही रहा था, ओके, नाउ दिस रेमिटेंसेज दे वर टाइड टू हाई सैलरीड जॉब्स, कि अब जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो हाई सैलरीड जॉब से आ रहे हैं, स्पेशली इन सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देर वॉज वेज हाई, रिकॉर्ड हाई एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सपोर्टेड रेमिटेंस ग्रोथ इन द फेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन। उसके बाद GCC कंट्रीज में क्या हुआ, दैट इंडियन माइग्रेंट्स दे बेनिफिटेड फ्रॉम गवर्नमेंट्स डायरेक्ट सपोर्ट टू कीप इन्फ्लेशन लो। द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट इंडिया हैज टेकन एडवांटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी। ओके, सो डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी ऑल्सो हेल्प्ड इंक्रीज इन रेमिटेंसेस। नाउ व्हाट इज द प्रोजेक्शन फॉर 2023? सो सी, द रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स दैट ग्रोथ इन रेमिटेंसेस विल फॉल टू 2% इन 2023। Why? क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इन्फ्लेशन, और बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी के वजह से US, UK, ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इम्पैक्ट हुई हैं, तो वहाँ पे भी अर्निंग्स कम होंगे। सो इफ यू विल सी दैट दैट विल ऑल्सो इरोड माइग्रेंट्स वेज गेंस। जैसे कि साउथ एशिया की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ इन रेमिटेंसेज इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 3.5% टू 0.7% इन 2023। उसके बाद GCC कंट्रीज की बात करें, तो दे विल ऑल्सो सी डिक्रीज इन रेमिटेंस आउटफ्लो बिकॉज ऑफ स्लो डाउन। उसके बाद डिमांड फॉर लेबर इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर फीफा वर्ल्ड कप इन कतार हैव एंडेड। ओके, बट उसके बाद भी रेमिटेंसेज टू इंडिया इज गोइंग टू ग्रो बाई 4% नेक्स्ट ईयर, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ हाई सैलरीज इन US, UK एंड ईस्ट एशिया। द नेक्स्ट इज G20, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे आपका G20 का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल।
यू हैव टू गो इट सेवरल टाइम्स। एक बार आप ये आर्टिकल कर लेंगे तो G20 में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो G20 की हम बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि December 1 के बाद से इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। ओके, अब G20 के कंट्रीज देखिए कौन कौन से हैं। वो तो 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये 19 कंट्रीज कौन कौन से हो गए? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। अगर आपको ये याद रखना है तो आप कॉन्टिनेंट वाइज याद रख सकते हो, तो ये आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल सी, तो पहले आप उठा लीजिए साउथ अमेरिका, ठीक। तो ऐसे आप कल याद कर सकते हैं। साउथ अमेरिका से देखिए कौन कौन है। साउथ अमेरिका से है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ठीक है। ओके, ओनली 2 कंट्रीज। सो फ्रॉम साउथ अमेरिका यू हैव अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। देन आप एशिया से अगर आप बात करेंगे तो एशिया से आप देखेंगे चाइना है, ठीक है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, देन जापान है, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, फाइन, देन सऊदी अरेबिया। टर्की को आप ले सकते हैं, फाइन। उसके बाद या अगर आप अफ्रीका से बात करेंगे तो अफ्रीका से यू जस्ट हैव साउथ अफ्रीका। उसके बाद यू हैव अमेरिका की अगर आप बात करें तो यूके, सॉरी सॉरी नॉट यूके, यूएस, मैक्सिको, ओके एंड कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया है ही। फिर आप यूरोप की कंट्रीज पर आ जाएंगे तो यू हैव जर्मनी, यू हैव इटली, यू हैव रशिया, यू हैव यूके एंड देन यू हैव यूरोपियन यूनियन, फाइन। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इसमें ब्रिक्स के सारे कंट्रीज हैं? इफ़ यू विल जस्ट सी द ब्रिक्स कंट्री, तो या ब्रिक्स के सारे कंट्री हैं। यू हैव ब्राज़ील, यू हैव रशिया, यू हैव इंडिया, यू हैव चाइना, यू हैव साउथ अफ्रीका। क्या क्वाड के सारे ग्रुप्स हैं? तो क्वाड में कौन से चार ग्रुप्स आते हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो क्वाड के भी सारे मेंबर्स इसमें हैं, ठीक है। बिम्स्टेक के कौन कौन से मेंबर्स इसके अंदर हैं? तो बिम्स्टेक से अगर आप देखोगे तो ओनली इंडिया एंड इंडोनेशिया आर देयर ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद गल्फ कंट्री में से कौन है? तो गल्फ कंट्री में से यू विल सी सऊदी अरेबिया इज ओवर हियर, ठीक है, लाइक दैट, फाइन। सो इन दैट वे ऑल्सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड। नाउ इफ यू विल जस्ट सी द हिस्ट्री ऑफ G20 फोरम। सो G20 फोरम इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1999 बाई फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 7 कंट्रीज। ये देखिए 7 कंट्रीज हमारे कौन से हैं? सो दे आर कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। सारे G7 के मेंबर्स हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 लीडर्स इट टुक प्लेस इन 1999, बट इट टुक प्रोमिनेंस आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन G20 वॉज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट इन 2001 2008। उसके बाद 2009 में G20 वॉज डेजिग्नेटेड एज द प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो G20 ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। उसके साथ साथ दे ऑल्सो डील्स विद ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। उसके बाद नाउ इंडिया, ये हम इंडिया का बाद में कर लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ डज G20 फोरम वर्क। तो G20 के दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में कौन कौन होता है? फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर। फॉर एग्जांपल इंडिया से कौन होगा? फिर इंडिया से निर्मला सीतारमन एंड शक्तिकांता दास, सो इज RBI गवर्नर। उसके बाद जो शेरपा ट्रैक होता है, तो शेरपा कौन होता है? शेरपा इज अ पर्सनल एमिशरी ऑफ लीडर्स। हर कंट्री एक शेरपा अपॉइंट करती है विच लीड्स द शेरपा ट्रैक। तो फाइनेंस के अलावा जो कुछ भी एजेंडा होता है दैट इज डिस्कस्ड बाय शेरपा ट्रैक, फाइन। उसके बाद हर एक वर्किंग ग्रुप स्पेसिफिक थीम्स के बेसिस पे वर्किंग ग्रुप बनती हैं विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम वर्किंग ग्रुप रिलेटेड टू क्लाइमेट, तो हर कंट्री के एनवायरमेंट मिनिस्टर या क्लाइमेट मिनिस्टर उसके पार्ट होंगे, लाइक दैट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वर्किंग ग्रुप्स में, सो यू हैव यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ग्रुप्स। नाउ फ्रॉम December 1 इंडिया हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ G20। ओके, तो अब G20 का आप देखेंगे तो एनुअल समिट होता है, इट हैज़ अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड इंडिया इज गोइंग टू बी प्रेसिडेंट टिल 2022-23। नाउ G20 की एक खास बात यह है कि इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ठीक है ना।
तो G20 को सपोर्ट कौन करता है? ट्रॉयका। नाउ ट्रॉयका क्या होता है? ट्रॉयका इंक्लूड्स पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट। तो अगर हम देखें 2023 का ट्रॉयका, तो इसमें पास्ट प्रेसिडेंट कौन होगा? इंडोनेशिया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। फ्यूचर प्रेसिडेंट कौन है? ब्राज़ील। इसका मतलब इंडिया के बाद G20 का समिट कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज G20 ट्रॉयका। नाउ इंडिया इज गोइंग टू होस्ट 18th G20 हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट इन दिसंबर 2023, जिसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया विल ऑल्सो फोकस ऑन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ओके, एंड इंडिया विल स्ट्राइव फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्रोथ। चैलेंजेस क्या हैं? सो वी ऑल नो चैलेंजेस आर रशिया यूक्रेन वॉर एंड स्टैंड ऑफ बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड रशिया एंड इंडियाज ओन प्रॉब्लम विद चाइना। द नेक्स्ट इज कॉलेजियम सिस्टम एंड NJAC। हमने इसके बारे में कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगेन कॉलेजियम सिस्टम विच इज द आउटकम ऑफ 3 जजेस केसेस। सो फॉर सुप्रीम कोर्ट द कॉलेजियम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर यही अपॉइंटमेंट अगर हाई कोर्ट्स के लिए करना है, देन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ CJI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। नाउ जो कॉलेजियम सिस्टम है, इट इज द आउटकम ऑफ 3 जजेस केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल लुक एट आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर कॉलेजियम सिस्टम हैज नॉट बीन मेंशन। सो कॉलेजियम सिस्टम इज द आउटकम ऑफ फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द कॉलेजियम सिस्टम एंड द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज द फाइनल वर्ड इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट अंटिल द पार्लियामेंट कम्स अप विद अ न्यू लॉ। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने पहले भी ट्राई किया था, एक NJAC बनाया था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, जो 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे भी बात किया है, साइटिंग दैट इट पुट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन डेंजर विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द नेक्स्ट इज सेंटर टू स्टॉप मौलाना आजाद फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। सो एक सच्चर कमिटी था that made recommendation for establishment of scholarship or fellowship for minority students. So Maulana Azad fellowship was established. It was a scholarship for students from the minority communities, but now the center has decided to discontinue it from this year. Okay, that is from 2022-23. The next is process to appoint ad hoc judges must be less cumbersome according to Supreme Court. So there is one article 224A for the appointment of ad hoc judges in high courts. ठीक है, so now the Supreme Court has said that the process for appointing ad hoc judges in high court it should be less cumbersome. जैसे कि यहाँ पे ये है कि इन्होंने ये कहा है कि एक तरीका ये हो सकता है कि जो practicing lawyers हैं, अगर उन्हें ad hoc judge appoint करना है तो उन्हें 2 years के लिए appoint किया जा सकता है, because they are not willing to give up their lucrative legal practices permanently. So they may be interested in joining the bench as ad hoc judges for a period of 2 years. So hume ye cheez explore karna chahiye. Uske baad April last year mein Supreme Court had identified 5 situations in which the judiciary could seek the aid of ad hoc judges, which include when vacancies are over 20% of sanctioned strength and cases had been pending for over 5 years. The next is Rajya Sabha clears wildlife bill that promises better protection. So the Rajya Sabha has passed the Wildlife Protection Amendment Bill on Thursday. Now here the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav, has said that it will protect the elephant and it has better provisions for protection of elephant and their habitat. Okay, now what is the main aim of the bill? Now see, the bill seeks better management of protected areas and provides for creating certain permitted activities such as grazing or movement of livestock and bona fide use of drinking and household water by local communities. The next is field trials of GM mustard DMH11 showed high yield, says Minister of Science. So, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिन पहले धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 the GEAC committee, that is Genetic Engineering Appraisal Committee, which comes under Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, gave approval for the GM mustard so that it can be released commercially. So field trials ne bataya hai that the yield
बिकॉज ऑफ दिस डीएम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, दैट इज कॉल्ड एज डीएमएच 11, हैज इंक्रीज बाय 28%, ओके, एंड 37% मोर देन द जोनल चेक्स. द नेक्स्ट इज बिल टू अमेंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. तो अगर हम देखेंगे कि द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री आर के सिंह, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल इन राज्यसभा. ओके, उन्होंने कहा है कि जो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है इंडिया का, दैट इज 42% ऑफ द टोटल एनर्जी जनरेशन. तो यहाँ पे आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अभी पेट्रोलियम रिफाइनरीज में रिफाइनिंग करने के लिए वी यूज हाइड्रोजन विच इज ड्रॉन फ्रॉम नेचुरल गैस विच इज फॉसिल फ्यूल, बट हियर नाउ द आइडिया इज टू रिप्लेस इट विद ग्रीन हाइड्रोजन. ओके, ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कंडक्टेड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन. तो हम जो अमोनिया है जो नेचुरल गैस से लेते हैं अगेन, ओके, सो हम बोथ अमोनिया और नेचुरल गैस इंपोर्ट भी करते हैं. तो हमको जो हाइड्रोजन चाहिए होता है वो हम नेचुरल गैस से ले रहे हैं या अमोनिया से ले रहे हैं, इसको हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं. अगर हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करें तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी. द नेक्स्ट इज वन लाइनर, पेरू गेट्स न्यू प्रेसिडेंट आफ्टर प्रेसिडिसर्स अरेस्ट. तो पेरू हैज़ गॉट इज न्यू प्रेसिडेंट डीना बोलुआर्टे, हु वॉज अर्लियर द वाइस प्रेसिडेंट, नाउ शी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो, हु ट्राई टू अटेम्प्ट टू डिजॉल्व द पार्लियामेंट एंड रूल बाई डिक्री. ओके, द नेक्स्ट इज श्रीलंका इज गोइंग टू रेज्यूम नेगोसिएशन ऑन स्टॉल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया. सो श्रीलंका ऑलरेडी गोइंग टू इकोनॉमिक क्राइसिस, सो श्रीलंका इज सून गोइंग टू रेज्यूम टॉक्स विद इंडिया ऑन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट. राइट, नाउ एक और पैक्ट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अलॉन्ग विद दैट श्रीलंका इज ऑल्सो ट्राइंग टू हैव एन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सिंगापुर एंड रेज्यूमिंग द ट्रेड नेगोसिएशन विद थाईलैंड एंड टू बिकम द पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. अगेन वन लाइनर, यूएस कांग्रेस क्लियर्स बिल टू प्रोटेक्ट सेम सेक्स यूनियन. सो द यूएस कांग्रेस विच इज द पार्लियामेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे सीनेट ने बिल ये पहले ही पास कर दिया था, अब यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भी इस बिल को पास कर दिया. इट मीन्स द यूएस कांग्रेस हैज पास द लेजिस्लेशन ऑन सेम सेक्स मैरिज. ओके, द न्यू लेजिस्लेशन, अब इसका नाम क्या है? रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट. इट डज नॉट रिक्वायर स्टेट्स टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज बट डज रिक्वायर देम टू रिकोगनाइज अ मैरिज सो लॉन्ग एज इट वॉज वैलिड इन द स्टेट वेयर इट वॉज परफॉर्म्ड. ओके, सेकेंड इज इट रिपील्स प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज अ यूनियन बिटवीन मैन एंड अ वुमेन. द नेक्स्ट इज ईरान हैंग्स 23-year-old मैन ओवर अमीनी प्रोटेस्ट. सो महासा अमीनी हु डाइड इन पुलिस कस्टडी. ओके, लेटर नाउ ईरान हैज सेड दैट दे आर गोइंग टू सस्पेंड दिस मोरालिटी पुलिस ऑल्सो. सो नाउ फॉर द फर्स्ट नोन एग्जीक्यूशन हैज टेकन प्लेस रिलेटेड टू दिस प्रोटेस्ट, दैट पर्सन नेम इज मोहसिन शेखरी. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टूडे. वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस. टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू. Thank you.